आज के टॉपिक में कवर करूंगा दैट वुड बी हाउ टू फायर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर लाइफ दैट वुड बी फियर. फियर के बारे में डिफरेंट मेथ्स हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट सारे डेफिनेशंस को कवर करें. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए. थैंक यू सो मच. आज का जो हम लोग सेशन है वो उसका टॉपिक है कि हाउ टू ओवरकम योर बिगेस्ट एनिमी दैट इज फियर इन योर लाइफ. अगर हम इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से देखें तो हम लोगों को अक्सर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती हैं जिसमें हम लोगों को पता होता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट से बात कर रहे हैं, अगर हम कुछ हमारे कॉलीग हैं जो पुराने अब जा चुके हैं यहाँ से, वो स्वीडन में एक कंपनी में है तो वो बता रहे थे कि हम लोग के पास होता क्या है कि आप डिफरेंट जो हम लोग के टीम लीड होते हैं वो हम लोगों को टास्क बताते हैं और हमने खुद सेलेक्ट करना होता है उन टास्क में से कि हमने कौन सा टास्क करना है. तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हो गई या फर्स्ट क्लाइंट प्रेजेंटेशन देनी है या फर्स्ट क्लाइंट कि आपने किसी जगह पे प्रॉपर क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन करनी है, तो हम लोगों को डिफरेंट फियर्स होते हैं कि अगर मैं बोलूँगा तो शायद मैं गलत बोलूँगा, क्लाइंट पे गलत इंप्रेशन चला जाएगा, या मेरी इंग्लिश अप टू द मार्क नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है. तो हम उस फियर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो अपॉर्चुनिटी है उसको गवा देते हैं. तो उसके हवाले से आज का एक टॉपिक है, उसमें स्टार्ट में ऐसे करता हूँ, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वली हैं मैं उनमें से फियर ख़त्म कर देता हूँ, वो ला खौफ होते हैं. इसको अगर मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन करें तो कुछ इस तरह से है कि जो अल्लाह ताला वादा कर रहा है कि जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे वली हैं, उनके अंदर से मैं फियर को, फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म कर देता हूँ. आप अगर खौफ, आज के टॉपिक में हम लोग कुछ थोड़ी सी मिथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि खौफ के हवाले से कुछ मिथ भी हमारे पास हैं, थोड़ा सा डिग डाउन करेंगे कि खौफ हमें बेसिकली आता कहाँ से है. कुदरत हम लोग को जब हम पैदा होते हैं तो कुछ खौफ हमारे अंदर बिल्ट इन होते हैं, और अगर हम उन मिथ्स पे जाएं कि खौफ जो है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज को ख़त्म कर देता है और खौफ नहीं होना चाहिए, तो इन दैट केस तो हम क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोगों को वो खौफ मिलता ही क्यों है अगर वो खौफ इतनी बुरी चीज़ है. तो उस पर डिस्कशन हो, उस पर डिफरेंट रिसर्चर्स ने रिसर्च की, वो कहते हैं कि बेसिकली खौफ, फियर आपकी लाइफ में बड़ा क्रूशल होता है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, कि वो आपके सर्वाइवल के लिए बड़ा ज़रूरी होता है. अभी आप सारे लोग ऑफिस में आए हैं, कुछ गाड़ी पे आए हैं, कुछ बाइक पे आए हैं, तो आप ड्राइव करते हुए थोड़ा सा एहतियात करते हैं कि अगला बंदा ब्रेक मार रहा है तो मैं भी साथ ब्रेक मार दूँ. आप वो क्यों होता है कि आपको डर होता है कि गाड़ी लग ना जाए, आप एहतियात कर रहे होते हैं, या बाइक लग ना जाए. तो जहाँ भी एहतियात होती है वहाँ थोड़ा सा फियर भी होता है, और ये फियर बेसिकली इसलिए होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फियर जो बिल्ट इन डाला है वो बेसिकली डाला ही इस वजह से है कि हमें ये पता चले कि इंसान जो है वो खुदा नहीं है, हर चीज़ अंडर कंट्रोल नहीं रह सकती, नहीं हो सकती, आप जितना मर्जी भी उसको कह रहे हैं. तो फियर हम लोग के अंदर बिल्ट इन करती है. अब जो अगर इस पर फर्दर इसको सोचें तो आप ये देखें कि जो छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होता है इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो तीन किस्म के खौफ जो हैं वो उसको अंदर बिल्ट इन होते हैं. नंबर वन, उसको ऊंचाई से डरने का, बुलंदी से गिरने का डर होता है. आप छोटे से बच्चे को पकड़ें, आपके घर में हैं, अगर आपके अपना भी बच्चे हैं तो आप उसको ऐसे उठा के नीचे करें तो एकदम से उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताती है कि वो डर रहा है, वो खौफ से डरता है. उसको किसी ने बताया नहीं होता, वो बोल भी नहीं सकता, बट वो खौफ से डरता है. नंबर टू है सांस बंद होने का डर. छोटे बच्चे को सांस बंद, उसको पानी में एकदम से वो गिर जाए या नहाते हुए उसके ऊपर पानी ज़्यादा आ रहा हो तब. और तीसरा, अगर बैलून वगैरह कोई एक्सप्लोड होता है तो आप देखेंगे कि बच्चे की बॉडी लैंग्वेज में एकदम से वो कमज़ोर आसाब होते हैं उसके. बड़ों के भी कुछ के कमज़ोर होते हैं बट कमज़ोर आसाब होते हैं, जैसे ही बैलून वगैरह या कोई धमाके की आवाज़ आती है और बच्चा एकदम से डरता है. तो ये तीन खौफ जो हैं ये तो बैठे होते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज की अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम लोग डिफरेंट खौफ हमारे जहन में होते हैं. हर बंदा किसी न किसी वक्त में उस खौफ से गुजरा हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, गरीब होने का डर, मौत का डर. मेरा एक दोस्त है वो मुझसे बात करना ना छोड़ दे, मैं बात करूँगा. अक्सर हम लोग, मेरी एक बड़े अच्छे कॉलीग से हमारी यहीं पे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि एक उस सेशन में हम लोग काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन किया था, हर बंदे को बीच में इन किया था, तो काफ़ी लोग बड़े इन्वॉल्व नज़र आए. उसके फीडबैक में जब मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम लोगों को नॉर्मली ये थोड़ा सा डर होता है कि मैं बोलूँगा तो शायद कुछ गलत ना बोल दूँ या लोग क्या सोचेंगे कि मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ.
तो बेइज्जत ना हो, कोई हमारी बेइज्जती ना कर दे, तो हमारी इंसल्ट ना कर दे. फिर मैंने जॉब, मैंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मेरी जॉब खत्म ना हो जाए, मेरा क्या बनेगा, अगर मैं कोई अटेम्प्ट करूंगा तो मैं फेल ना हो जाऊं, डिफरेंट खौफ हमारे अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम आते हैं. इस पे फर्दर डिग डाउन करें तो आपको पता लगता है कि आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं लाइफ में और ये खौफ आते जाते हैं आपके अंदर, इंटीग्रेट करते जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, छोटे होते हम लोगों को कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी, हर वक्त खेला करते थे, सारा सारा दिन खेलते रहते थे, कोई हमें दिमाग में चीज ही नहीं थी कि गरीब अमीर कौन होता है, कोई चीज हमारे पास है नहीं है, कभी कोई टेंशन नहीं होती थी. ये हमें कब पता चला, जब हमने देखा कि हमारे पास कोई चीज फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तब हमें पता चलता गया कि अच्छा ये भी एक टॉपिक है. तो आप ये देखें कि पहले अगर हमारे पास हमें गरीबी का डर नहीं था और बाद में आया, अगर किसी को आया तो वो क्यों आया, उसका एक्सपीरियंस से आया. फिर एक दौर हुआ आया कि हमें हासिल महरूमी का पता लगने लग गया, हमें ये पता चलने लग गया कि एक चीज मेरी है और कुछ चीजें मेरे पास नहीं है. जो कुछ चीजें मेरे पास नहीं है उसको अचीव करने की ख्वाहिश जागी, जब वो ख्वाहिश जागी तो साथ ही खौफ भी आ गया. इसको किसी को पता है सिद्धार्था कौन था? सिद्धार्था को अगर आप इसका मशहूर नाम था गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा बुद्धिज्म का फाउंडर था. वो कहता है उसके एक पूरी फिलॉसफी है, फिलॉसफर भी था और उसका बुद्धिज्म का फाउंडर भी था. वो कहता है कि अगर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ख्वाहिश है, दुनिया में ख्वाहिश से बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ख्वाहिश खत्म हो जाए तो आपका जिंदगी से खौफ खत्म हो जाता है. पूरी फिलॉसफी इस चीज़ में मौजूद है. और खौफ जो है वो ऐसी जगहों पर भी आ जाता है जहाँ पे आपकी, आपको पता होता है कि यार यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो गई नहीं, वहाँ पर भी. फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी लेनी है, आप कमा भी नहीं है, आपको पता है कि मैं इंस्टॉलमेंट्स भी दे लूँगा, आपके दिमाग में खौफ आने लग जाता है पैसे की कम ना हो जाए. बचपन में हम अगर इस चीज़ को देखें तो बचपन में हमारी लाइफ में बड़े छोटी छोटी चीज़ों की ख्वाहिशें हुआ करती थी. सबसे बड़ा खौफ हमें उसका क्या था कि हमारा जो खिलौना है वो कोई ले ना ले. जैसे जैसे ख्वाहिशें बढ़ती हैं वैसे वैसे आपके आपका खौफ बढ़ता जाता है. खौफ क्या पड़ता है, जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता है हमने गाड़ी की किस्त देनी है, हमने घर की किस्त देनी है, हमने बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, हमने अपना सोशल स्टेटस मेंटेन रखना है. तो आप देखें जितनी ज़्यादा ख्वाहिशें होंगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, आपका खौफ उतना ही बढ़ता जाएगा. हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप ज़मीन पर क्यों बैठते हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यहाँ से गिरने का डर नहीं. आप अब इसको लिटरल मीनिंग्स में भी लें और आप इसको एक पूरी फिलॉसफी इसमें मौजूद है उसमें भी लें. एक तो ये कि ज़मीन पर बैठा बंदा वैसे नहीं गिर सकता, दूसरा ये कि ज़मीन पर बैठने का मकसद क्या है, वो किस चीज़ किस तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि अपने आप को लो प्रोफाइल रखा हुआ है. तो जो बंदा अपने आप को लो प्रोफाइल रखता है, अपनी ख्वाहिशें कम रखता है, उसको उतना ही गिरने का डर कम होता है, उतना ही खौफ कम होता है. बेसिकली होता क्या, हम डरते क्यों हैं, ये जो ज़्यादा डर मैंने गिनवाया ये क्यों डरते हैं, होता ये कि अल्लाह ताला हमें चीज़ों से नवाजता है और हम उसको अपनी कामयाबी समझने लग जाते हैं, अपना कमाल समझने लग जाते हैं. तो जितना हम जिसने नवाजा उसको दिमाग सामने नहीं रखते और जो हासिल होता है उसको हम सामने रखने लग जाते हैं और हमें हमारे डर पैदा होने लग जाता है. तो नंबर वन पॉइंट तो ये है कि आप अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें कि आप, हमारे पास बहुत बड़ा वे आउट है, लास्ट रिजॉर्ट है, फर्स्ट रिजॉर्ट ही होना चाहिए वैसे तो. कि आपने फियर को ओवरकम कैसे करना है, सबसे पहले ये कि आपने अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना है कि जिस अल्लाह ताला ने हमें पहले दिया था, तवक्कुल ये होना चाहिए कि जिसने पहले दिया है वो दोबारा भी दे देगा. मतलब हम अक्सर पढ़ते हैं ना, अल्लाह ना करे कोई फौत हो जाए या कोई चीज़ गुम हो जाए तो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ. इसका मतलब क्या है कि जो अल्लाह ताला की चीज़ थी उसका मफहूम ये कि अल्लाह ताला की तरफ ही वापस चलती है. ये सिर्फ फौत होने पर नहीं पढ़ते, ये आप जिंदगी पूरी पे अप्लाई करके देखें कि हम समझते हैं कि हमने हमारे पास फर्ज कर लें कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम समझते हैं आज हमें नुकसान हो गया तो हम रोने ऐसे लग जाते हैं जैसे हमने खुद कमाया था. बेसिकली हमने खुद कमाया ही नहीं था. आप इस चीज़ को ऐसे रखें कि आपका कोई किसी चीज़ का हक है ही नहीं. फिर अभी हम डर के बारे में डिफरेंट डेफिनेशंस और डिफरेंट मिथ्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है. तो आप डर को फर्दर डिग डाउन करें, आपको पता लगेगा कि हमें छोटी छोटी मिथ आगे चल के हमारे बड़े डर बनने लगते हैं. कैसे, फॉर एग्जाम्पल, बड़ा लेमैन आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ. किसने देखा देव कैसा होता है, किसने देखा चुड़ैल कैसी होती है? आज तक मिथ सुने ना कि उसके पाँव पीछे होते हैं, उसके बड़े नाखून होते हैं, बड़े दांत होते हैं. ये मिथ हम लोग की लाइफ में आते हैं. हम लोग को अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पे ज़्यादा, जो हमारे जितने भी उस्ताद थे, हमारे जितने भी हमें सिखाने वाले थे हमारे पेरेंट्स,
वो हमें अब अभी भी आप देख लें कि हम लोग क्या अपने बच्चों को एग्जांपल दे रहे होते हैं, जल्दी से खाना खा लो नहीं तो ज़ॉम्बी आ जाएगा, जिन आ जाएगा, ये आ, तो आप फर्जी कोशिश ये करें कि जो पेरेंट्स हैं, खासतौर पर जो पेरेंट्स हैं, वो फर्जी डर ना दें बच्चे को। आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा सप्रेस करता है जो फर्जी डर होता है। हम चेंज आए कि इस पर हम डिस्कशन करें, हम अपने बच्चों को ये सिखाएं। अब नॉर्मली होता है कि हम कभी ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को कि अगर वो फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर वो जॉबलेस हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर उनको डिवोर्स हो जाएगी लाइफ में तो क्या होगा। हम ये चीजें नहीं सिखाते, हम डिफरेंट फियर्स देते रहते हैं और वो चल के आगे चल के हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते जाते हैं। इसी तरह से आप देखें गवर्नमेंट जॉब, मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट जॉब बुरी होती है, बट लोग क्यों प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब, वो कहते हैं पक्की बंधी रकम आती रहेगी, प्राइवेट जॉब का कोई पता नहीं कभी खत्म हो जाए, ये डर है बेसिक। फिर आजकल डर की बेस पे प्रॉपर बिजनेसेस चलने लगे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ये बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, वो क्या है कि आप जब 50 साल के होंगे उस वक्त आपके बच्चे को इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। आप 30 साल से ऊपर सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें, सप्लीमेंट्स की एक कंपनी ने आपके दिमाग में डर बैठा दिया कि 30 साल 35 साल के बाद आपको आपकी बॉडी को सप्लीमेंट्स की जरूरत होगी। आप ड्राइवर, आप फॉर एग्जांपल आप जाते हैं एक मैकेनिक के पास, आप कहते हैं मेरी गाड़ी धुआं मार रही है सही, तो वो कहते हैं शुगर करें आपका इंजन नहीं फारिग हो गया, ये तो रेंगे नहीं डलवा ली है मैंने, वरना आपका इंजन खत्म होने लगा। डॉक्टर के पास जाते हैं मुझे खांसी है, वो कहते हैं शुगर करें टीबी नहीं है, तो डर बिठा देते हैं। ये आजकल जितने भी इल्ला माशाल्लाह जो भी लोग बाहर बैठे हों, वो आपकी पर्सनैलिटी में एक आप आज एक पेपर पे लिखें कि आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है, उसको डेक डाउन करें तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल छोटी छोटी मिथ्स थी और उन बातों को बेसिकली शायद उस वक्त आपने तवज्जो भी ना दी हो, लेकिन बाद में आपकी पर्सनैलिटी में वो बिल्ड होती है। अब टॉपिक हम लोगों का ये है कि इसको ओवरकम कर कैसे करें। बीइंग अ मुस्लिम सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला ने सूरह नास में और बाकी काफ़ी सूरतों में हम लोगों को डिफरेंट वसवसों से बचने के लिए तलकीन दी है कि हम डिफरेंट हम बहुत से, मैं आगे चल के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, बाकी बात तो ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आप दिमाग में रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, अल्लाह ताला ऐसा बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई चीज़ डिले नहीं करता, कोई चीज़ आपको तरसा के नहीं देता। हमें मैं अक्सर बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कि जो हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं वो हमें मुफ्त मिली हुई है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रखें कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, हम लोगों को वैसी पोटेंशियल होनी चाहिए। फिर रिसर्च बताती है कि 98% ऑफ योर फियर्स, आज मैं आते हुए बल्कि ये रेडियो पे सुन रहा था कि 98% जो हमारे फियर्स हैं वो वैसे ही पूरे नहीं होते, वो वैसे ही झूठे होते हैं। और जो बाकाया, अब फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है एग्जाम्पल, आप कभी पंखे के नीचे लेटे ना, एग्जैक्ट पंखे के नीचे लेते हैं तो आपको लगेगा पंखा गिर जाएगा, लगता ना आपको। तो ऐसे बहुत से फियर्स ऐसे हैं जो कि वैसे ही पूरे नहीं होते, और जो बाकी 2% रह जाते हैं वो इतने माइनर होते हैं लाइफ में कि उनसे वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर आप लोगों में से कोई रीडिंग करता है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कल 8 अप्रैल का 12 मिनट का एक आर्टिकल है, 12 मिनट ये जावेद चौधरी ने लिखा, कल का उसका आर्टिकल है। कल बाई चांस मैंने अपने सारी वर्किंग कर ली हुई थी, अपना होमवर्क कर लिया था इस टॉपिक पे, कल मैं वो पढ़ा था तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग। उसमें एक कैरेक्टर है बेग साहब का, बेग साहब एक प्रॉपर फिलॉसफी बताते हैं कि आप इंसानी ह्यूमन बींग के 6 डिफरेंट इमोशंस होते हैं, वो 6 डिफरेंट इमोशंस कौन से होते हैं, गुस्सा, खौफ, नफरत, हैरत, लुत्फ और उदासी। ये आपकी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट होते हैं। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको शायद मुझसे ज़्यादा, मेरे बताने से ज़्यादा बेहतर तौर पर आप पढ़ सकें। डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और वो 12 मिनट तक रहते हैं। फिर उसमें पूछने वाला बेग साहब से पूछता है कि हमने तो देखा है कि अक्सर जो लोग गुस्से वाले हैं वो सारा सारा दिन गुस्से में होते हैं, या फर्ज करें कोई बंदा है जो हंसता रहता है वो सारा दिन ही हंसता ही रहता है, या उदास है वो सारी ज़िंदगी उदास ही रहता है। तो बेग साहब आगे से बताते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि आपने इसको आप आग की तरह देखें, आग लगी हुई है एक जगह पर, वो खुद बखुद बुझ जानी थी, बट आप उसमें जब फ्यूल डालना स्टार्ट करते हैं, आप उसमें लकड़ियाँ कागज़ डालना स्टार्ट करते हैं तो वो जलती रहती है, और वो 12 मिनट से 12 कुछ घंटों पे जाती है। उसके बाद फिर आपका प्रॉपर मूड बन जाती है और वो मूड आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि वो 12 मिनट मैनेज करना सीखें, आपको किसी चीज़ से डर लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप में से किसी को बुलाता हूँ कि आप आएँ और 5 मिनट के लिए बोलें, अभी बुलाऊँगा तो वो रिजल्ट नहीं होगा,
दिमाग में वो रखें कि 12 मिनट तक मैंने इस फियर को ओवरकम करना है, कुछ नहीं होता, क्या होगा, मर तो नहीं जाऊंगा ना, तो आप 12 मिनट के बाद आएंगे अपने उस फियर को ओवरकम करके आएंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे एकदम से, मैं आपको बोला हूँ तो शायद आप वो रिजल्ट ना दे सकें। तो कोशिश ये करें कि एक तो ये चीज कि 12 मिनट उन 12 मिनट्स को मैनेज करें, साइंटिफिक रिसर्च है कि 12 मिनट को मैनेज करें। दूसरा ये कि कोशिश ये करें कि ईमान वालों के साथ रखें, मतलब ईमान वालों से मुराद ये कि जो आपको थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स दें। आप जब नेगेटिव लोगों के साथ बैठे हो, एक बड़ा मशहूर एक प्रोवर्ब भी है कि अवॉइड सिटिंग विद नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि थोड़ा जब जब आप किसी पॉजिटिव बंदे के साथ बैठेंगे तो आप वो बेशक कुछ ना बोले आप वैसे ही दिलेर दिलेर सा फील करेंगे। जो खौफ वाला बंदा होगा वो आपको खौफ देगा, ईमान वाला बंदा आपको ईमान देगा। तो कोशिश ये करें कि आप थोड़ा ईमान वाले बंदों के साथ बैठे। इसकी एग्जाम्पल एग्जैक्टली वैसी है, हम बचपन में सुनते थे ना एक मैग्नेट को एक रॉड के साथ रब करते हैं तो वो रॉड भी मैग्नेट बन जाती है। हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं हम भी वही बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव बंदों के साथ बैठना स्टार्ट करें। जहाँ तक कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो डर है, अगर पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है कि पब्लिक स्पीकिंग पे स्टिल लोग मौत से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग पर डरते हैं। तो आप अगर दिमाग में ये रख लें कि मैंने जो है वो ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपका दिमाग अल्लाह ताला ने इतना स्ट्रांग आपको दिया हुआ है कि आप फॉर एग्जाम्पल आज हम में से कोई फर्ज करें कि एक्सरसाइज कोई बंदा नहीं करता, आप अपने दिमाग में बिठा लें कि मेरा मैंने एक्सरसाइज करनी है और मैंने ये टारगेट अचीव करना है। आपका दिमाग इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि आपकी बॉडी को वो मैसेज कन्वे करता है कि वो थकती नहीं है। अगर आप वैसे ही अपने दिमाग को सुकून में रखें, आप वैसे ही आधा घंटा वॉक करके आए उसके बाद हालत भी होती है, नीचे से हम आते हैं ना सीढ़ियों पे अक्सर तो हम बिल्कुल थके हुए होते हैं, दिमाग हमारा बड़ा स्ट्रांग अल्लाह ताला ने दिया हुआ। तो कोशिश ये करें कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव साइड पर रखें, दिमाग अपने फियर्स को ओवरकम करें। कभी भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी, मैं एग्जाम्पल बार बार पब्लिक स्पीकिंग ही दूंगा, पब्लिक स्पीकिंग से बात फर्स्ट करें किसी भी गैदरिंग में स्पीकिंग दूंगा, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अपनी आप ये समझे कि इट विल रॉकेट माय सक्सेस और कुछ भी नहीं होगा मेरे बोलने से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले लोग मेरे बारे में कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं लेंगे। तो आप यकीन करें कि आपका दिमाग इस चीज को प्रूव करने के लिए हर पॉसिबल सिचुएशन को अडॉप्ट करेगा कि अगर आपके दिमाग में ये है, अगर आपके दिमाग में ये है कि नहीं मेरी मैं आज तो सब कुछ बड़ा गर्क हो जाएगा, लोग मेरे से गलत मेरा तासर बना लेंगे, तो आप यकीन करें कि एग्जैक्टली ऐसे होगा। तो अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें और एक चीज और दिमाग में रखें कि हमारा जो दिमाग है वो हमें हैप्पी रखना चाहता है, our brain wants us to be happy, तो वो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपना सकता है। आप उसको जैसे जिस तरफ रुख देंगे, फॉर एग्जांपल अक्सर एक कोट सुनने को मिलता है कि जीतने की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है और ना हारने की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। कि क्यों होता है, कि एग्जैक्टली इसीलिए होता है कि आप अपने दिमाग में जब टिप्स बना रहे होते हैं तो आपकी दिमाग में ये जब चीज होती है कि मैंने जीतना है, आप उसको स्पोर्ट्समैन की तरह ना देखें, आप अपने क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन में देखें। आप लोग खासतौर पर जो मार्केटिंग वाले हैं आप उसकी कॉल को देखें, आप जब अपने कस्टमर से बात कर रहे होते हैं तो आप उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बात करें, वो कॉल का रिजल्ट टोटली डिफरेंट होता है आपके दिमाग में हो कि नहीं। अक्सर लोग हम लोग आप लोग तो चले इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम लोग जो उर्दू में कोऑर्डिनेशन नॉर्मली आपस में कर रहे होते हैं तो हम इंग्लिश बोलने से भी शर्मा रहे होते हैं, हम इंग्लिश बोलने को अवॉइड कर रहे होते हैं, हम कहते हैं यार पता नहीं इंग्लिश बोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला बंदा क्या समझेगा, और हमारे ही बैकग्राउंड वाले हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी डिफरेंट नेशनल्स नहीं हैं, वो भी आराम से बोल लेते हैं। कि क्या होता है कि हमारे दिमाग में टोटली चीज होती है। तो नंबर वन पॉइंट से अब नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपने अपने अपने फियर्स को ओवरराइड कैसे करना है। नंबर टू पॉइंट ये है कि आपने अपनी अपनी अजम्पशंस को एडजस्ट करना है। अजम्पशंस को एडजस्ट कैसे, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि आप अगर समझते हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो वो मेरा इंप्रेशन का बेड़ा गर्क कर देगी, तो आपने इस अजम्पशन को ठीक करना है, आपने ये अजम्पशन को ऐसे ठीक करना है कि आपने उसको अपॉर्चुनिटी समझनी है कि आज मुझसे जो गलती होगी वो मैं दोबारा इसको ओवरकम कैसे करूँगा। अब आप जब अगर गलती को एक मिस्टेक आप ये समझने लगते हैं कि मेरी मैं दोबारा कभी इस पर बात नहीं कर सकूंगा या मेरा इंप्रेशन खराब हो गया, तो आप अगली अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए अगली अपॉर्चुनिटी आपके सामने भी आ जाएगी तो आप शायद सा फील करेंगे। आप अक्सर लोग बीच में कुछ लोग बोलते हैं हमारे स्टाफ में कुछ कुछ लोग टॉपिक पर डिस्कशन ही नहीं करते जब इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, वो क्योंकि वो शायद फील कर रहे होते हैं कि यार
मैं बोलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे सीखने की जगह पे मेरा इमेज खराब कर देगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नंबर टू पॉइंट, नंबर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिमाग में रखेंगे, रिमेंबर नो वन रियली केयर्स। आप इस चीज को दिमाग में रखें। मैं पब्लिक स्पीकिंग की अगेन एग्जाम्पल देता हूँ कि फर्ज करें कि मैं बोलने के लिए आया हूँ, तो मुझे मैंने अजम्पशन की हुई कि हर बंदा मेरे बारे में सोच रहा होगा, हर बंदा मुझे ही नोटिस कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता। आप डिफरेंट अगर कॉन्फ्रेंसेज में जाए ना, तो मे बी पॉसिबल है कि अगला बंदा ये सोच रहा हो कि यार ये सेशन में ब्रेक कब होगी, मुझे चाय के साथ क्या मिलेगा, या यहाँ से जाने के बाद मैंने बर्थडे प्रेजेंट क्या लेना है, या मैंने आज मेरा जूता बड़ा टाइट पहन लिया है। तो हर बंदा, आप जब भी कोई आपको अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप आज बोल रहे हैं, आपको लग रहा हो कि वो नेगेटिव सोच रहे, हो सकता है पॉजिटिव सोच रहे, फिर अपना फोकस, नंबर नेक्स्ट अपना फोकस शिफ्ट करें। आपको जिन चीज़ों से डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आप सालों के सामने बोलने से डर लगता है, तो मैं इस डर आप दिमाग में रखिएगा कि आपका जो फियर है, इट लव्स यू रिपीट द पैटर्न। आपके दिमाग में एक चीज आती है ना कि मैं आई एम गोना स्क्रू दिस सिचुएशन, तो वो एग्जैक्टली वैसी करता है, वो उसी पैटर्न को आपको लेके चलता है, और वाकई जो डर होता है वो आपकी उस अपॉर्चुनिटी का बेड़ा गर्क करके रहता है। आपको अपना फोकस शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, आपने ये करना है कि आपको जिस चीज से डर लगता है आप उसमें फोकस ही ना करें, आप डिफरेंट चीजों में फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग में अगेन बात हो रही है, एक बंदा आपकी तरफ ज्यादा अटेंशन दे रहा है, आप उसकी तरफ देखना शुरू कर दें, या आप अपनी बॉडी मूवमेंट को देखना स्टार्ट कर दें कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी फील हो रही होगी। आप उस तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप अपने फियर को ओवरकम कर देंगे। आप इसको मैं इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। आप फर्स्ट ने अपने सफर पे जाना है, 4-5 घंटे का सफर है, आपको दिमाग में यार मैं तो बड़ा थक जाऊंगा, मुझे तो नींद नहीं हो रही, मैं शिफ्ट के बाद जाऊंगा तो मैं तो बड़ा थका हुआ होऊंगा। आप इसी जगह पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं कि यार रास्ते में हम लोग एंजॉय करते जाएंगे, दोस्त यार होंगे, गपशप मारेंगे, तो आपको जो सफर की थकावट, कहते हैं सफर खुद नहीं थकाता, सफर की जो थकावट की सोच है वो थका देती है, तो आप उस सोच पर फोकस ही करें। नंबर नेक्स्ट है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ लुकिंग स्टूपिड। हमारे एक पुराने कॉलीग हुआ करते थे, उनका बड़ा देसी सा एक्सेंट था, और हम लोग की एक फ्लोर मीटिंग हो रही थी, उसमें 300-400 बंदे बैठे हुए थे। हमारे सीएफओ ने कुछ क्वेश्चन किए, तो नॉर्मली जिनकी अच्छी कम्युनिकेशन होती थी वो भी सीएफओ से बात करते लगते थे। वो बड़ा देसी सा एक्सेंट का वाला बंदा था, एंड वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक उर्दू एट दैट टाइम। तो उसने प्रॉपर अपनी पंजाबी स्टाइल की इंग्लिश में कोई तकरीबन 10-15 मिनट की बात करी, जहाँ पे 10-15 सेकंड पर ही बात कर सकता। हम लोग बड़े ही अमेज थे कि यार बड़ी, उसको हम भट्टी साहब कहते थे, भट्टी साहब बड़ी हिम्मत की है बात करने में। तो कहते क्या फर्क पड़ता है यार, मतलब सीएफओ मुझे कोई, अब इतना स्टाफ था तो उसको पर्सनली तो जानता नहीं था, तो कहते सीएफओ मुझे को पर्सनली जानता है। वो काफी बातें उसने बीच में मजाकिया भी की थी उन सीएफओ के साथ। तो पॉइंट ये है कि आपको ये लगता है ना कि मैं स्टूपिड लगूंगा बोलने से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। एक दफा स्टूपिड लगेंगे, दो दफा लगेंगे, तीन दफा, इसको ओवरकम कैसे करें, आप ऐसे करें कि आप लास्ट कोई इंसिडेंट सोचें कि फर्स्ट करें कि आपने लास्ट टाइम कुछ बोला था उस पर मैं स्टूपिड लगा था, उसको टेक डाउन करना स्टार्ट करें, उसको टेक डाउन करें, उसको ये देखें कि आपने फर्स्ट करें क्लाइंट के साथ कोई बात की थी और उसी वक्त आपको अंदाजा हो गया था नहीं यार मुझे ये बात करनी चाहिए, तो उसको टेक डाउन करें कि यार अच्छा मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके बाद क्या हुआ, मुझे एम्बैरेसमेंट फील हुई, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कोई एक्शन या कोई थॉट आई उसके बाद दिमाग में, ओके तब ये आई थी। आप इसको डिक डाउन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप वैसे ही उस फियर को ओवरकम कर चुके होंगे कि नहीं यार मैं स्टूपिड लगूंगा। आप बहुत सी चीजें उसी वक्त दिमागी तौर पे अपने अंदर इंटीग्रेट कर चुके होंगे जिससे आप नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में सोच नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि ये 4 चीजें जो हैं अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। आप फियर, बहुत से फियर्स को हम जहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं, जहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी रिजवान साहब इस पर अगर कोई मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके आप लोगों से पूछते हैं कि आपने नेक्स्ट वीक में क्या, इस कमिंग वीक में क्या करना है, आपके पास ये तहाशा काम है, आपने, आपको पता भी है मैं सीट से नहीं उठता, लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको डर लग रहा होता है कि अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो हो सकता है रिजवान साहब सोचेंगे ज़्यादा एफिशिएंसी से बोल रहा है, या हो सकता है सोचें कि यार मैं रिजवान साहब को सही नहीं बोल सकता। अक्सर इंटरव्यूज़ में जो लोग हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं तो उनको ये बात पता है कि इंटरव्यूज़ में कुछ लोग बड़े अच्छे काम के होते हैं लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि उन पर फियर जो है वो हावी आ जाता है। तो कोशिश करें कि इन 4-5 स्टेप्स को आप इंटीग्रेट करें लाइफ में, और लाइफ में इंटीग्रेट करने का मतलब ये कि ये नहीं कि मैं आज से महीना मैंने ये काम प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। मैं परसों एक जर्नलिस्ट का उनके एक प्रोग्राम देख रहा था तो वो कह रहे थे कि
सफर जो है वो मंजर नहीं होती। मुझे बात भी अच्छी लगी तो मैंने रोक लिया, मैंने कहा चेक करते हैं और क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सफर मंजिल नहीं होती, बेसिकली मंजिल पे जाने का रास्ता होता है। हम करते क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग का मंजिल ये है कि हमने एक्सरसाइज करनी है और हमने अपने बाइसेप्स बढ़ाने हैं या हमने अपनी बॉडी को शेप देनी है, सिक्स एब्स बनानी है, तो हम जिम जाने को ही समझ लेते हैं कि बस अब जिम जाना स्टार्ट हो गए, अब तो काम हो गया, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से ये चार पांच टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बेहतर लगते हैं तो इनको इंटीग्रेट इस तरह से करें कि वाकई ही इंटीग्रेट करें, ताकि आप मंजिल पर जो आपके दिमाग में जो भी टारगेट है उस तक पहुंचे। सिर्फ जिम ना जाएं, शेप भी दें। थैंक यू सो मच।